अच्छा ये बता कि मेटल सेक्टर में 5 सबसे अच्छे शेयर कौन कौन से हैं। मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा रिस्की सेक्टर माना जाता है। रिस्की होने का रीजन ये होता है कि मेटल सेक्टर हर देश की इकोनॉमी के साथ परफॉर्म करता है, यानी देश की इकोनॉमी अगर बढ़ती है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, गिरती है तो वो बुरा परफॉर्म करेगा। और इस साइकिल में चलते हैं, यानी 5 साल चलेंगे 5 साल एक जगह रहेंगे, 5 साल चलेंगे 5 साल एक जगह रहेंगे। तो मेटल सेक्टर इस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपको मेटल सेक्टर में निवेश करना भी है और अगर आप करना चाहते हो तो ये 5 मैं मेटल सेक्टर की ऐसी कंपनी बताता हूँ जिस पर मेटल सेक्टर की साइकिल का और किसी भी देश की इकोनॉमी का इन 5 कंपनियों पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। अगर मेटल सेक्टर नीचे भी जाएगा तो ये 5 कंपनियां काफी कम नीचे जाएंगी, और ऊपर जाएगा मेटल सेक्टर तो इन 5 कंपनियों में काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो मेटल सेक्टर की नंबर 1 कंपनी आती है JSW स्टील। JSW स्टील एक लार्ज कैप मेटल सेक्टर की कंपनी है, इसके शेयर आप खरीद सकते हो और ये काफी अच्छी मेटल सेक्टर की कंपनी है। दूसरे नंबर पे आती है टाटा स्टील। टाटा स्टील काफी अच्छी मेटल सेक्टर की कंपनी क्योंकि इसमें टाटा ग्रुप का विश्वास है, तो टाटा स्टील सेकंड मेटल सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी हो सकती है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड मेटल सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और ये कंपनी रेगुलर हर साल अपना प्रॉफिट जनरेट करती रहती है। तो वेदांता लिमिटेड तीसरी मेटल सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी हो सकती है। चौथे नंबर पर है सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये चौथे नंबर की मेटल सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पे जो मेटल सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील जिंदल ग्रुप की कंपनी है और ये 5वीं मेटल सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है। इसका काम स्टील और मेटल दोनों का है और इसमें अगर आप आने वाले समय में निवेश करते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो ये 5 मेटल सेक्टर की कंपनियां जिसमें आप निवेश कर सकते हो।